नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज जो है एक्सरसाइज 1.3 जो त्रिकोणमिति है क्लास 10th, आज उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी खंड है, चार खंड है, चारों खंडों को हम इसी वीडियो में सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है पहला खंड, पहला खंड समझिए, साइन 18 अपान कास 72, साइन 18 बटे कास 72। देखिए पहला खंड दिया गया है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे साइन 18 और नीचे कितना है कास 72, ये दिया गया है पहले खंड में। ये कौन सा खंड है, पहला खंड है। तो देखिए इसको किस तरीके से अमल करेंगे, यहाँ पे देखिए 72 और 18 कितने हुए, 90 हुए। सबसे पहले तो हम इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे, 90 हो जाता है ही नहीं हो जाता है। और परीक्षा में तुम्हें क्या करना है, यदि इन दोनों का जोड़ 90 हो जाता है तो आंखें बंद करके एक टिक मार देना है, उसका आंसर एक ही आएगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए, इसमें से एक तुम्हें चेंज करना है, जो मना है वो चेंज कर लीजिए। जैसे साइन 18 लिखा है तो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72। देखिए 90 से 72 जाएंगे, 18 बचेंगे और नीचे कास 72। चाहे तुम ऊपर वाला साइन 18 इधर लिखा रहने देते, नीचे वाले को क्या करते, कास 90 माइनस 18, 90 से 18 जाता तब भी तो 72 बचता, एक को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गया, देखिए साइन 90 माइनस 72 नीचे कास 72। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, याद कर लीजिए। इसी प्रकार कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसी प्रकार होता है टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। और होता है कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। और होता है कोसेक 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखिए ये छह सूत्र तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यही वाला फॉर्मूला है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 72, और नीचे क्या लिखा है कॉस 72। तो कॉस 72 से कॉस 72 कट गया, कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ गया एक, कितना आ गया एक, ठीक है, पहला खंड लग गया। अब इसका देखिए दूसरा खंड क्या है, दूसरा खंड है टेन 26 बटे काट 64। इसमें एक को चेंज कर दीजिए, 64 और 26 90 होगा कि नहीं होगा, तो इसमें एक को चेंज कर लीजिए, चाहे किसी को चेंज करिए, चाहे ऊपर वाले को चेंज करिए चाहे नीचे वाले को। यदि हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस 64, 90 से 64 जाएंगे 26 से बचेंगे, और चाहे तो नीचे वाले को करते काट 90 माइनस 26 करते तब 64 आता। अब देखिए नीचे क्या लिखा है काट 64। अब यहाँ पे देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ऊपर हो गया कॉट थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 64, अब नीचे कॉट 64, कॉट 64 से कॉट 64 कितना कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक आ जाएगा, ठीक है, दूसरा खंड हो गया। अब इसका देखिए तीसरा खंड, देखिए तीसरा खंड क्या है, तीसरा खंड है कॉस 48 माइनस साइन 42, ये दिया गया है। देखिए 42 और 48 कितने हो गए, 42 और 48 90 हो गए, तो इसमें एक को चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए, जिसको मनाए उसको चेंज करिए। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा कॉस 90 माइनस 42, 90 से 42 जाएंगे 48 बचेंगे, या हम इसको करते साइन 90 माइनस 48 करते तो 42 आ जाता। अब यहाँ पे क्या है साइन 42, अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा दूसरा वाला है, देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है 42 माइनस साइन 42, साइन 42 से साइन 42 कट जाएगा, इसका मान जीरो आएगा, कितना आएगा जीरो, इसका मान एक नहीं आएगा। देखिए एक बटे एक होता है तब एक आता है, या दो बटे दो होता है तो कितना आता है एक आता है, और अगर दो से दो घटाएंगे तो कितना आएगा जीरो आएगा। तो यहाँ पे घटाना का चिन्ह लगा है, घटाएंगे तो जीरो आएगा, बट्टे में भाग देंगे तो एक आएगा, ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखिए इसका चौथा खंड क्या है, चौथा खंड है सेक कोसेक, कोसेक 31 माइनस सेक 59।
देखिए 31 और 59 कितने हो गए, 90 हो गए। तो एक को चेंज करना है, चाहे इसको चेंज करिए चाहे इसको चेंज करिए, एक को चेंज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, कोसेक 90 माइनस 59, 90 माइनस 59। देखिए 90 से 59 जाएंगे कितने बचेंगे, 31 बचेंगे। चाहे तो इसको हम कर सकते हैं sec 90 माइनस 31। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, sec 59 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, क्या होता है sec थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा sec थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा 59 माइनस sec 59। अब देखिए यहाँ पे भी sec 59, यहाँ पे भी sec 59 कट जाएगा, कितना आएगा जीरो, कितना आएगा जीरो आएगा। ठीक है, तो इसका भी ये भी खंड लग गया। यहाँ पे देखिए cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा था, क्या था sec थीटा, हमने गलती से sin थीटा लिख दिया था। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।